नमस्कार बच्चों, देखिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है, नीट से रिलेटेड है। तो ये अपडेट है क्या, पहले व दूसरे चरण में आवंटित सीट को तीसरे चक्र में अपडेट करने का पहली बार मिला मौका। तो मतलब पहले क्या होता था, केवल जो मतलब एक बार अगर पार्टिसिपेट कर चुका है पहले काउंसलिंग या दूसरे काउंसलिंग में, तो तीसरे काउंसलिंग में नहीं शामिल किया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब उसको तीसरे काउंसलिंग में भी उनको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये पहली अच्छी खबर है। नीट यूजी की तीसरी काउंसलिंग, 7 से सीट कर सकेंगे अपग्रेड। तो ये जो सीट कर सकेंगे अपग्रेड, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मान लीजिए पहले और दूसरे काउंसलिंग में आपने लॉक वगैरह नहीं किया, कुछ नहीं किया है, तो आप तीसरे में ऑटोमेटिक आपका सीट अपग्रेड हो जाएगा, यानी तीसरे काउंसलिंग में आपको मौका मिल सकता है। चलिए देखिए, तो कहानी क्या है उसको हम लोग देखते हैं। ये आज के ही दिन प्रकाशित हुआ है। तो देखिए इसमें क्या है, नीट यूजी 2024 की तीसरी काउंसलिंग 7 अक्टूबर से प्रस्तावित है। आपको पता ही होगा, तीसरे चरण में काउंसलिंग से पहले और दूसरे चरण में सीट लॉक करने वाले अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे। तो जो मतलब पहले और दूसरे चरण में सीट लॉक कर चुके हैं, उनके लिए भी तीसरे चरण में काउंसलिंग की मतलब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहली बार ऐसे अभ्यर्थी को तीसरी काउंसलिंग में शामिल होने का अवसर दिया गया। तो ये पहली बार हुआ है, इसके पहले आप पहले या सेकेंड मतलब फर्स्ट या सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते थे। वहीं कुछ निजी कॉलेजों द्वारा इन अभ्यर्थियों पर बिना तीसरी काउंसलिंग का इंतजार किए तत्काल प्रवेश के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अब भाई कुछ जो निजी कॉलेज है, मतलब जो प्राइवेट पार्टनरशिप से कॉलेज है, निजी कॉलेज, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि पहले और दूसरे राउंड में आपने काउंसलिंग करा ली, तो वो दबाव डाल रहे हैं कि आप तत्काल प्रवेश लीजिए। तो ऐसा होने पर देखिए क्या कहता है, ऐसे कुछ कॉलेजों पर कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल इस बार अब जो कॉलेज इस तरह का प्रेशर दे रहे हैं, उन पे कार्रवाई होगी। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, अभी तक पहले चरण में सीट लॉक करने वाले अभ्यर्थी सीट अपग्रेड करने के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग में ही शामिल हो सकते हैं, मगर इस बार क्या कह रहा है, मगर इस बार ऐसे अभ्यर्थी पहले व दूसरे चरण में आवंटित सीटें का तीसरे चक्र की काउंसलिंग तक अपग्रेड कर सकते हैं। मतलब वही कहना है कि मतलब जो पहले और दूसरे राउंड में, मतलब फर्स्ट राउंड में और सेकेंड राउंड में काउंसलिंग करा ली है, वो थर्ड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा अवसर पहली बार दिया गया। प्रवेश के लिए तैयार निर्देशिका में इसका स्पष्ट उल्लेख भी किया गया है कि इसके बावजूद कुछ निजी कॉलेज ऐसे अभ्यर्थी को तत्काल हॉस्टल फीस सहित अन्य औपचारिकता पूरे करने के लिए दबाव बना रहे हैं, उन्हें धमकाया जा रहा है, तत्काल प्रवेश न लिया तो एडमिशन निरस्त करके सीटें रिक्त घोषित करने की सूचना भेज देंगे। अब उस मतलब जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, ये इस तरह का प्रेशर दे रहा है, ऐसा मतलब धमकाया जा रहा है। तो इस संबंध में क्या कहा है चिकित्सा शिक्षा विभाग ने, इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सीट आवंटन से लेकर प्रवेश प्रक्रिया में कॉलेजों का रोल सिर्फ इतना है कि नोडल सेंटर से जिस अभ्यर्थी को जिस कॉलेज में सीट आवंटित की है उसे वहाँ प्रवेश दिलाए, किसी कॉलेज एक्सक्यूज मी ये देखिए उसे वहाँ प्रवेश दिलाए किसी कॉलेज में, फिर कह रहा है किसी कॉलेज को सीट रिक्त घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है। तो जो कह रहा है कि मतलब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, अगर आप प्रवेश नहीं लिएंगे तो हम सीट को ब्लैंक कर देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये उनके द्वारा संभव नहीं है। यहाँ पर सीधे मतलब जो मेडिकल डायरेक्टर है आपका, चिकित्सा शिक्षा का मेडिकल डायरेक्टर महानिदेशक, उसने सीधे बोला है कि भाई जो है वो हम ही करेंगे, नोडल अधिकारी सब डिसाइड करेगा, आप नहीं सीट को बता सकते रिक्त है या नहीं है, ऐसा कुछ आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दिया गया है। अब देखिए कुछ और भी रिलेटेड मतलब नीट से रिलेटेड सूचना है। ये देखिए, अभी 573 सीटें रिक्त बढ़ सकती है संख्या, मतलब 573 सीटें तो खाली हैं, जैसे कुछ लोगों ने हमने बताया था एक दिन रेजिग्नेशन लेटर के विषय में, हमने पुराने वीडियो में डाला है कि जो बच्चे मतलब ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, सीट वगैरह नहीं लेना चाहते, वो रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं। तो ये लिखा है, चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय ने नीट यूजी की तीसरी चरण की काउंसलिंग की तैयारी शुरू कर दी है। 2 चक्र की काउंसलिंग के बाद अब प्रदेश में MBBS और BDS की कुल 573 सीटें रिक्त है। तो अभी कितनी MBBS और BDS की सीटें बाकी हैं, वो है आपका 573 सीटें बाकी हैं। अब देखिए क्या कहता है, हालांकि अभी और सीटें बढ़ने की संभावना है, इसमें पहली या दूसरी काउंसलिंग के बाद प्रवेश न लेने वाले और आवंटित सीट से त्याग पत्र, हमने रेजिग्नेशन लेटर के विषय में बात किया तो ये बता रहा है कि प्रवेश न लेने वाले आवंटित सीट से त्याग पत्र देने वाले अभ्यर्थियों की सीटें शामिल होंगी। सोनभद्र के स्वशासी मेडिकल कॉलेज में तीसरे राउंड में शामिल किया जा सकता है, अभी उसका भी कॉलेज का नाम नहीं आया है, जिस हाल में NMC ने 100 MBBS
सीटों की अनुमति मिली है। फिलहाल रिक्त 573 सीटों में MBBS की 116 सरकारी और 276 प्राइवेट सीटें शामिल है। इसके अलावा BDS की 2 सरकारी और 188 प्राइवेट सीटें शामिल है। तो मतलब कुल मिला जुला के 573 सीटें रिक्त हैं, जिसमें MBBS और BDS के सीटों पर एडमिशन हो सकता है, जिसमें MBBS की सीटें ज़्यादा हैं, 116 गवर्नमेंट है, 267 प्राइवेट है, BDS में 2 सरकारी है और 188 प्राइवेट है। अब देखिए, चॉइस लॉक न करने पर 554 को नहीं मिली सीट। अब यहाँ पर भी बताया गया, जो मतलब जैसे आपने फिल कर दिया उसके बाद लॉक भी करना था, तो जो बच्चे चॉइस नहीं लॉक किए उनके लिए सीट नहीं मिली। नीट UG 2024 के दूसरे चक्र की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग के बाद उसे लॉक न कर पाने वाले अभ्यर्थियों को सीट आवंटन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या कुल है 554। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय ने इनकी सूची जारी कर दी है। दरअसल काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को चॉइस फिलिंग के साथ ही उसे सीट लॉक भी करना जरूरी था। तो ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं जो सीट को लॉक नहीं किए थे, तो उनकी स्ट्रेंथ जो है 554 है, तो ये भी सीटें ब्लैंक जाएगी। तो ओवरऑल 573 सीटें रिक्त हैं, जिसमें से मैंने बता दिया कितने MBBS की सीटें हैं, कितनी ये सीटें हैं। तो अब आपका ये याद रहे कि अक्टूबर 7, 2024 से आपका नीट थर्ड राउंड काउंसलिंग चालू होगा, ठीक है। और मैं आपको बराबर अपडेट कराता रहता हूँ, हर चीज़ की जानकारी आपको बराबर मिलती रहती है। जैसे आपने पीछे देखा होगा कि कौन सा क्या काउंसलिंग है, किसका कट ऑफ मेरिट जा रहा है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, हर स्टेट का मैं धीरे धीरे आपको अपडेट कराता रहता हूँ, यूपी का भी है, सब चीज़ें अपडेट कराता रहता हूँ। तो चलिए क्लास को, और जो बच्चे नीट UG 2024 में किसी कारणवश कम मार्क पाए हैं वो मुझसे जुड़े बायो बूस्ट क्लासेस BBC पाठक ट्यूटोरियल से। यहाँ पर आपको नीट से रिलेवेंट सब चीज़ें, नीट से रिलेवेंट मटेरियल सब प्रोवाइड किया जाता है। चलिए क्लास को फिनिश करते हैं, थैंक यू।